हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दिल्ली करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। और आज की एक्साइटमेंट 10 times हाई है, और इसका रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यस्टरडे देर वॉज ए बिग अनाउंसमेंट डन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। NDA में अब गर्ल्स भी एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि NDA के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स को भी अलाउड कर दिया है। कल एक पटिशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि अब से जो भी NDA का एग्ज़ाम होगा उसमें गर्ल्स को बिल्कुल एंट्री दे दी जाएगी। और इससे पहले अभी 15 अगस्त को जब हमने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया था, वहाँ पर लाल किले से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी सैनिक स्कूल हैं वहाँ पर गर्ल्स की भी एंट्री को बिल्कुल अलाउड कर दिया। तो ये बैक टू बैक से काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि एक जगह सैनिक स्कूल में भी गर्ल्स को अलाउड कर दिया गया है, और सेकेंड जगह आपका जो सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रेस्टिजियस और एडवेंचरस जॉब होती है, जिसके लिए बहुत सारे पहले कैंडिडेट्स होते थे, मेल कैंडिडेट्स जो ड्रीम रखते थे एक NDA के अंदर जाके लेफ्टिनेंट के तौर पे अपनी सेवाएं देश को देने के लिए, अब वो एक सपना जो गर्ल्स भी देखती थी कहीं ना कहीं उनका भी बहुत 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 ही जल्दी, या एक तरीके से बोल सकते हैं बिल्कुल पूरा हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके अंदर गर्ल्स को अलाउड किया जाए। बट आज के सेशन में स्पेशली मैं थोड़ा सा क्लैरिटी करने वाला हूँ आपके लिए कि क्या जो आपका अपकमिंग सेप्टेम्बर में एग्ज़ाम था, जो कि ड्यू टू कोविड की रीज़न से पोस्टपोन करके 14 नवंबर जिसको फाइनल कर दिया गया है, क्या उसके अंदर गर्ल्स को एंट्री मिलने वाली है, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, क्या सेम ट्रेनिंग एकेडमी रहेगी, या क्या जो अभी हमारे पास 2400 वैकेंसीज निकलती हैं आपकी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी या NDA के थ्रू जो भी हैं, जो मेल्स कैंडिडेट के लिए पहले ही रिजर्व की गई हैं, क्या उसके अंदर एंट्री मिलेगी या कुछ अलग से प्रोसीजर रहेगा। तो आज का सेशन उसी बारीक से बारीक चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए है। तो स्पेशली दिल्ली कैरियर ग्रुप की पूरी टीम उन्हीं सभी डिफेंस लवर्स गर्ल्स को स्पेशली कंग्रेचुलेट करती है जिनका एक सपना था अपने आप को डिफेंस के तौर पे लेके जाना। बट अगर देखा जाए तो ये कोई ऐसा बड़ा कोई भी बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है आर्मी के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि FCAT में भी गर्ल्स की एंट्री होती है, CDS में भी गर्ल्स की एंट्री होती है, MNS में भी गर्ल्स की एंट्री होती है, और 10th बेस पे जो हमारी मिलिट्री पुलिस होती है वहाँ पर भी गर्ल्स की एंट्री होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। बट कहीं ना कहीं एक 12th के बाद एक ऐसा बैरियर बना हुआ था गर्ल्स के लिए कि वो अपने आप को डिफेंस सर्विस के लिए रिक्रूट नहीं करती थी, या तो उनको ग्रेजुएशन करना पड़ता था CDS FCAT के लिए, या फिर MNS में उनको BSc नर्सिंग पहले कंप्लीट करनी पड़ती थी। बट अब एक ये काफी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी गर्ल्स के लिए कि वो भी 12th के बाद अपने कैरियर्स को डिफेंस के अंदर लेके जा सकती हैं। अब होगा क्या कि जैसे आप देख सकते हैं कि UPSC ने जो अपकमिंग सितंबर में आपका एग्जाम था वो ड्यू टू कोविड पेंडेमिक की वजह से 14 नवंबर की डेट कर दी है। अब इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, तो जो आपका NDA 2 जो 2022 में होने वाला है, कहीं ना कहीं उसके लिए UPSC को दोबारा एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। और जो बॉयज़ कैंडिडेट की सीट्स होती रिजर्व रखी गई हैं उसके अलग बाद ही कुछ आपके लिए UPSC या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन करके, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन करके कुछ ना कुछ वैकेंसीज यहाँ पर गर्ल्स के लिए अलग से क्लैरिफाई की जाएंगी। और मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि NDA में गर्ल्स की एंट्री को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले से आने से पहले ही कुछ ना कुछ आर्मी पहले ही वहाँ पर अपनी तैयारी कर रही है, कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रोसीजर पहले ही चल रहे हैं कि कैसे गर्ल्स को इंटेक किया जाएगा, कैसे उनकी एकेडमी रहेगी, कैसे उनकी ट्रेनिंग रहेगी। और नो डाउट जहाँ तक हमें विश्वास है कि बॉयज़ और गर्ल्स की एकेडमी और की सेम ट्रेनिंग रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, और कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग भी सेम ही रहने वाली है। सो इसमें आपको बिल्कुल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने आई है। और इंडियन मिलिट्री के लिए कोई बहुत बड़ा सिनेरियो भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो गर्ल्स को टेक करती भी है, गर्ल्स की ट्रेनिंग भी देख सकती करवाती है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट BSF के अंदर भी अब हमारी गर्ल्स आ रखी हैं, असम की जो हमारी पहली वुमेंस राइफल्स रही हैं वुमेंस की, उनको भी मिलिट्री पर बॉर्डर्स के ऊपर रिक्रूट किया गया है, वहाँ पर उनको लगाया गया है। तो ये एक सिर्फ एक ऐसा है कि एक आपका जो एक कहते हैं कि आपका एक गेट बंद था गर्ल्स के लिए डिफेंस के अंदर जाने के लिए NDA के थ्रू, क्योंकि NDA कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टेड प्रेस्टिजियस और एडवेंचरस जॉब है जो कहीं ना कहीं हर किसी को इंस्पायर करती है डिफेंस सर्विसेज के लिए। सो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सितंबर में उनको टिक कीजिए, तो शायद वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होगा, बट UPSC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्ट्री मिलकर कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रोसीजर बनाएगी जहां पर गर्ल्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने आप को डिफेंस सर्विसेज में लेके जाने के लिए, और जो आपकी इनटेक होने वाला है NDA के अंदर वो भी आपका एक सिनेरियो बहुत ईजी होने वाला है। सो अगेन दिल्ली कैरियर ग्रुप आप सभी को बेस्ट विशेस करती है गर्ल्स के लिए।
और अगर अपकमिंग जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो गर्ल्स अगर उसको डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहती है तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, बॉयज़ हमारे पास ऑलरेडी टीच कर रहे हैं, CDS के लिए हमारी बैचेस हैं जिसमें हमारी के पास गर्ल्स ऑलरेडी इनटेक कर चुकी हैं। सो आई होप कि बहुत जल्द आपके पास एक और फ्रेश नोटिफिकेशन आने वाला है UPSC की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, कि क्या प्रावधान रहेगा, कैसे आर्मी इनटेक करने वाली है और क्या किस तरीके से गर्ल्स अपने आप को इसमें अप्लाई करने वाली रहेंगी और कैसे आप अपनी ट्रेनिंग को इसमें पूरा कर सकते हैं। सो जैसे ही कोई फ्रेश नोटिफिकेशन आता है दिल्ली कैरियर ग्रुप सबसे पहले आपको इसके बारे में अपडेट करवाएगा। सो इस टाइप के अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।